हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल फिल्मी है भाई में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुपरस्टार रजनीकांत और सुपरस्टार अक्षय कुमार की फिल्म 2.0 के दूसरे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और इसी के साथ हम लोग कंपेयर करने वाले हैं भारत की सबसे बड़ी फिल्म बाहुबली का कलेक्शन भी। तो चलिए दोस्तों, देखते रहिए पूरा वीडियो और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 2.0 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म आई है 29 नवंबर को यानी कि परसों, और इस फिल्म ने अपने पहले दिन काफ़ी अच्छी कमाई की है। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो कहा जा रहा था कि ये फिल्म आते ही बाहुबली 2 के रिकॉर्ड तोड़ देगी, लेकिन दोस्तों इसके कलेक्शन कुछ उस हिसाब से नहीं आए जैसा एक्सपेक्ट किया था। लेकिन चलिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि इन दोनों ही फिल्मों में कौन सी फिल्म ने मारी है बाजी। पहले बात करते हैं हम लोग बाहुबली 2 के बारे में। तो बाहुबली 2 जिसमें है प्रभास, राणा डग्गुबत्ती, अनुष्का शेट्टी और तमन्ना भाटिया। दोस्तों इस फिल्म को डायरेक्ट किया था एसएस राजामौली सर ने। इस फिल्म ने अपने पहले दिन कमाए थे पूरी दुनिया से 218 करोड़, जो कि एक रिकॉर्ड है भारत की किसी भी फिल्म के लिए। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म ने हिंदी भाषा में कमाए 41 करोड़, तमिल में कमाए 40 करोड़ और तेलुगु में इस फिल्म ने कमाए थे 50 करोड़। तो इसी के साथ इस फिल्म ने अपने एक दिन में मात्र 118 करोड़ सिर्फ हिंदी, तेलुगु और तमिल से निकाले थे। वहीं वर्ल्ड वाइड ग्रोस इस फिल्म का 218 करोड़ था। वहीं बात करें अगर हम लोग 2.0 के बारे में, तो इस फिल्म में है अक्षय कुमार, रजनीकांत, एमी जैक्सन और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है शंकर सर ने। दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले दिन कमाए हैं 132 करोड़ रुपए, क्योंकि इस फिल्म का कलेक्शन इसलिए भी कम रहा क्योंकि एक नॉन हॉलीडे मूवी है। वैसे तो दोस्तों बाहुबली 2 भी नॉन हॉलीडे मूवी थी, लेकिन उस फिल्म ने काफ़ी अच्छी कमाई की थी क्योंकि उस फिल्म का बज काफ़ी अच्छा था। 2.0 का भी बज काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं, लेकिन इस फिल्म ने बाहुबली को मात देने में कहीं पीछे रह गई है। बात करते हैं अब दूसरे दिन के कलेक्शन के बारे में। तो दूसरे दिन का जो कलेक्शन था बाहुबली का, तो वो था 190 करोड़ रुपए। वहीं बात करें अगर हम लोग 2.0 के बारे में, तो इस फिल्म का जो दूसरे दिन का कलेक्शन है वर्ल्ड वाइड का, वो है 110 करोड़ रुपए। इसी के साथ बाहुबली का दो दिनों का कलेक्शन हो जाता है 408 करोड़ रुपए और 2.0 का हो जाता है 242 करोड़ रुपए। तो दोस्तों इन दोनों ही दिनों में बाहुबली 2 ने 2.0 को दे दी है मात। लेकिन दोस्तों हो सकता है कि ये फिल्में ज़्यादा कमाई करें, क्योंकि 2.0 को कई ज़्यादा देशों में रिलीज किया गया है और कई ज़्यादा स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है, और इसके पास अभी काफ़ी टाइम है क्योंकि 21 दिन बाद आने वाली है एक बड़ी फिल्म जीरो। तो तब तक ये फिल्म हिंदी भाषा में भी काफ़ी अच्छी कमाई कर लेगी और तमिल तेलुगु में भी ये फिल्म काफ़ी अच्छी कमाई कर लेगी। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये फिल्म बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी या नहीं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।